जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। थोड़े प्रश्न भी लेते जाएंगे और ज़्यादा ज्ञान की बातें समझ में आएगी। ललित मोहन सिरसा हरियाणा। जब मन में विचार आए वाणी के परमाणु टूटते हैं, उनमें तन्मयाकर होने न होने का कैसे ज्ञान है? एक्चुअली वाणी अलग चीज़ है और विचार अलग चीज़ है। विचार मन में आते हैं और मन में तन्मयाकर हो वो अलग चीज़ है और वाणी वो दूसरा फंक्शन है। दोनों को अलग समझे हम तो बुरे विचार आवे या अच्छे विचार आए, हमारी बुद्धि उसको देखती है, बुरे को बुरा बोलती है, अच्छे को अच्छा बोलती है, और अच्छा बोलने के बाद अहंकार वहाँ से अपने स्थान से विचारों में तन्मयाकर होने जाता है। अच्छे विचार में तन्मयाकर होता है, बुरे विचार में अहंकार अलग रखता है। अरे बहुत बुरे विचार आते हैं, मुझे पसंद नहीं है। और अच्छे विचार में मैंने विचार किया, मैं ही सोच के सब काम करता हूँ, ऐसा अहंकार कर लेता है। तो ये अभी हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान से हम जुदापन की जागृति रख सकते हैं। ये विचार ललित मोहन को आते हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ललित जी को बताने के भाई क्यों गलत विचार करते हो, दूसरे को दूसरे के लिए नेगेटिव, चलो माफ़ी मांगो। हम जुदापन की जागृति भी रखेंगे और विचार से भी जुदापन रखेंगे और समझ लेंगे ललित मोहन को विचार आते हैं बुरे या अच्छे, हमारा उसका संबंध क्या है। जैसे फिल्म और देख प्रेक्षक और फिल्म है, ऐसे शुद्धात्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, प्रेक्षक है, और मन विचार और फिल्म की जगह है, इतना जुदापन है। तो इगोइज्म अज्ञानता से हम पहले मान लेते थे, मैं ही विचार करता हूँ, मैंने सोचा, मैंने किया। अभी जागृति मिली हमें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ललित जी को विचार आते हैं। समझ में आया आपको? और ये वाणी जो है ना वो टोटल दूसरा फेज है। उसमें पूर्वभव में अज्ञानता से आत्मा जो विभाव दशा में है तो भाव करता है। भाव यानी संज्ञा है एक प्रकार के। मुझे एक टेढ़ा शब्द बोल दिया तो मैं चार सुना दूंगा, तो अहंकार भाव ही करता है। तो बाद में इस जन्म में क्या आता है, किसी ने कुछ शब्द बोले टेढ़े, तुरंत वाणी पूरी निकलने चालू हो जाएगी। क्यों? तक पूर्वभव में भाव किए हैं। और सूक्ष्म में भाव करने से परमाणु चार्ज होते हैं, वो चार्ज परमाणु को कोडवर्ड जैसे बोला जाएगा, कोडवर्ड। और पिछले जन्म में वो चार्ज हुए परमाणु इस लाइफ में परिपक्व होकर रेडी होते हैं, उसको शॉर्ट एंड बोला जाएगा। और शॉर्ट एंड में से जब कोई निमित्त मिला तुरंत रिकॉर्ड चालू हो जाती है। किसी ने कुछ इंसल्ट किया तो बुरे शब्द निकलने चालू हो जाएंगे, किसी ने मान दिया, बहुमान किया, सम्मान किया तो अच्छे शब्द। वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो भरा हुआ माल है वो रिकॉर्ड निकल जाएगी, शॉर्ट एंड में से स्थूल वाणी निकल जाती है। आपको समझ में आया? अभी हमें क्या करना है, देखो वाणी भी ललित जी की रिकॉर्ड बोल रही है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे सामने वाला भी कुछ बुरा शब्द बोले, इंसल्ट करे, तो तुरंत जागृति रखनी है कि चंदू अलग है, शुद्धात्मा अलग है। चंदू की रिकॉर्ड निकलती है और ललित मोहन के लिए निकल, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जितना जुदापन की जागृति रखोगे उतना बुरा शब्द या अच्छा शब्द भीतर में स्पर्श नहीं करेगा, भुगतान सफरिंग नहीं देगा आपको। समझ में आया आपको? एक सवाल होगा क्या, ये ज्ञान जो है जो अगले भाव में भी काम आएगा? हाँ, दूसरे भाव में भी चालू रहेगा, क्योंकि पूर्व भाव में अज्ञानता हम लेके आए हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान हमेशा आत्मा के साथ में ही जाता है। ज्ञान होगा वो भी साथ में जाएगा, अज्ञान होगा वो भी साथ में जाएगा। तो हमें ज्ञान मिला है शुद्ध आत्मा, तो ये ज्ञान भी हमारे साथ में दूसरे लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होएगा। ये देखो छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के साथ आते हैं और एक एक घंटा ज्ञान विधि में बैठते हैं। क्यों? 3-4 साल का इसको क्या समझ में आता है, मगर पूर्व भाव में
सत्संग मिला है ये दादा भगवान का, और आज उसको ये इसी के ऊपर प्रेम आता है, भक्ति होती है। छोटे छोटे बच्चे, कितने, कम से कम 1000 छोटे बच्चे ने ये प्रोग्राम किया था कल्चरल सब, और उसको नहीं इतनी आनंद, इतना आनंद होता है, नहीं दादा भगवान का करना है मुझे का। तो पूर्वभव में भक्ति हुई है, एकदम तुरंत भक्ति होना शक्य ही नहीं है। पूर्वभव का कनेक्शन है इसमें। के पांडे, दिल्ली, आत्मा और जीव में क्या अंतर है? यदि हम आत्मा है तो जीव कौन है? ये आत्मा और जीव में अंतर इतना ही है कि आप आत्मा हो और के याने क्या? के पांडे नाम मेरा। नाम नहीं, मगर के मतलब क्या होता है? नाम क्या है आपका? के पांडे नाम है जी। अरे के पांडे, मगर के का मतलब क्या है? कौशल किशोर। कौशल किशोर, तो कौशल जो है ना वो जीव दशा है, और आत्मा आप खुद हो। पर आप मानते हो मैं कौशल हूँ तो हो गया जीव स्वरूप। मैं कौशल किशोर हूँ मानना वो मान्यता, अवस्था को मैं हूँ मानना वो जीव दशा है, और तत्व को मैं हूँ मानना वो अंतरात्म दशा है, और तत्व स्वरूप हो गया वो फिर परमात्मा बोला जाएगा। यानी जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीन दशा है, एक ही आत्मा की है। आत्मा एक ही है हाँ जी, मगर जब जैसे आप पौधे में काम करते हो तो आपको गार्डनर, माली बोला जाएगा, और ट्रेन में जाते हो तो पैसेंजर बोला जाएगा। घर में आपको पैसेंजर नहीं बोलेंगे बच्चे लोग, पप्पा बोलेंगे। तो आप पप्पा हो, पैसेंजर हो, का गार्डनर हो, तो ये काम कौन सा करते हो हिसाब से आपकी अवस्था उत्पन्न होती है, दशा। तो आप जब तक संसार में मोह में माया में अज्ञान में है वहाँ तक जीव दशा, बाद में जागृति आ गई मैं शुद्धात्मा हूँ तो हो गए अंतरात्मा, और एब्सोल्यूट स्टेज में आ जाओगे तो परमात्मा हो जाएगा, तो खुद ही परमात्मा बोला। एब्सोल्यूट यानी कोई भी संसार की अवस्था हमें टच न हो जाए, वो एब्सोल्यूट स्थिति है, फुल स्टेज में एकदम निरंतर अखंड जागृति। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी एवं आत्मा ही परमात्मा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ईश्वर का अंश नहीं है जीव, ईश्वर खुद ही है, मगर आवरण के थ्रू लाइट निकलती है तो अंश लाइट निकलती है, भीतर में तो उजाला सब अंश है। रामायण में तो लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ऐसा करके तो इसका मतलब कि जीव जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर भीतर में आत्मा, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, उसका आवरण है उसके ऊपर, आवरण थ्रू उजाला निकलता था अंश लाइट निकलती है, पर भीतर तो सर्वांश है भीतर में। जब आवरण टूट जाएंगे सब, तो अंशी और अंश सब एक हो जाएंगे, ऊपर कोई बैठा नहीं सर्वांश, भीतर वाला आत्मा वही परमात्मा है, वही सर्वांश है। समझ में आया आपको? एक सवाल है साहब, अगर शरीर जो छूटता है तो इसमें प्राण निकलता है कि आत्मा निकलती है? प्राण पूरा हो जाता है मगर आत्मा निकलती है, मगर साथ में कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल, जो कर्म बांधे हैं जी, वो बांधे हुए कर्म भी साथ में निकलते हैं। पहले आत्मा निकलेगा मगर बाद में एक कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी सब साथ में निकल जाएगा। जो कॉजल बॉडी है ना वो माँ बाप ढूंढ लेते हैं जी, और माँ के गर्भ में पहुँच के बाद में ये देह छोड़ेगा जूना पुराना। तो ये कॉजल बॉडी है वो अज्ञानता से बांधा हुआ गया है, अज्ञान दशा का परिणाम है। तो परमाणु ही परमाणु माँ बाप के ढूंढ के वहाँ पहुँच जाता है, मैग्नेट और नीडल जैसा, तो मैग्नेट उसको खींच लेता है, ऐसे माँ उसको, बाप और माँ का हिसाब है, वो खींच लेगा, और बाद में गर्भ धारण होता है, 9 महीने में जन्म होएगा बच्चे का। जय सच्चिदानंद। वीरेंद्र सिंह बिहार, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? मोक्ष के लिए कौन सा मार्ग सरल, इसमें समझाइए। ज्ञान और भक्ति में एक ही सिक्के की दो बाजू है, यानी एक दूसरे से अलग नहीं है। जितने प्रमाण में ज्ञान उतने प्रमाण में भक्ति उत्पन्न होती है। हमें एयरपोर्ट जाना है तो हम चलने लगेंगे तो एयरपोर्ट मिलेगा हमें? मालूम ही नहीं रास्ता तो क्या करेंगे? तो पहले एड्रेस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो एड्रेस मिलने हमारे हाथ में आ गया तो हमको भक्ति का एयरपोर्ट का साक्षात्कार हो जाएगा? तो भी नहीं होगा। तो एड्रेस भी चाहिए और एड्रेस के अनुसार चलना चाहिए। तो एड्रेस को ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान के हिसाब से जितनी भक्ति होगी उतना साक्षात्कार होएगा। यानी ज्ञान और भक्ति
दोनों अलग जो माना जाता है उससे क्या है कि वो ज्ञान बिना भक्ति वो परोक्ष भक्ति है, और भक्ति बिना का ज्ञान वो शुष्क ज्ञान है, कोई फल नहीं मिलेगा। परोक्ष भक्ति और शुष्क ज्ञान दोनों संसार में रहेंगे। प्रत्यक्ष भक्ति होनी चाहिए और ज्ञान प्रत्यक्ष होना चाहिए। मैं खुद कौन हूँ उसका ज्ञान हो गया, बाद में हम अभी दादाजी की ज्ञान विधि ली आपने, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, आपको जागृति मिली। अभी जितनी 5 आज्ञा पालन करोगे वो ज्ञान की ही भक्ति है, और वो भक्ति और मैं शुद्धात्मा हूँ ज्ञान और ज्ञान की भक्ति दोनों से पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा, पूर्णता मिलेगी हमें। समझ में आया आपको? अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता है, शुद्धात्मा का रमण हमेशा रखना हमेशा रहता है। मैं शुद्धात्मा हूँ इस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, वो बराबर है। और अभी वीरेंद्र सिंह के दोष देखने हैं, किसी को दुख हो गया ऐसा कुछ हो जाता है कभी? कभी क्रोध हो जाता है, कभी किसी के प्रति अभाव हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, तो वो वीरेंद्र का जो हो गया उसको देखो और वीरेंद्र को बोलो कि प्रतिक्रमण करो, उसी को ही दोष बोला जाएगा। किसी से हमें दुख होता है तो ये समझना चाहिए भुगतता है उसकी गलती, और हमारे से किसी को दुख हो गया तो समझना चाहिए मैं गुनाह करता हूँ उसका फल मुझे दुख आएगा, तो गुनाह की माफ़ी मांग लो तो दो जाएगा। और चरण विधि जो कहते हैं उसमें क्या आरती वरती दिखाना जरूरी है क्या? हैं, आरती जो दिखाते हैं दीपक जला करके? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत, दीपक जलाओ या ना जलाओ ऐसे भाव से भी कर सकते हैं, और जलाएं तो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको सबको भक्ति होती है, और किसी की भक्ति किसी की इच्छा है तो दीपक प्रकट करके भी आरती करते हैं। करो या ना करो उसमें द्रव्य भक्ति है और दूसरी भाव भक्ति है, तो हमारा भाव ही ज्ञान वाला है सब, और संजोग मिले तो द्रव्य आरती भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी भाव से भी करो तो भी चलेगा, दोनों नहीं किया तो चरण विधि की तो भी चलेगा। वो क्या है कि हमारे पास सरप्लस टाइम किसके पास ज़्यादा होता है तो ये आरती भी करते हैं, दूसरे भी सब करते हैं, और टाइम कम होगा तो निश्चय व्यवहार चरण विधि ज़रूर करो, और ज़्यादा टाइम होगा तो सिमंदर स्वामी को नमस्कार है वो ज़्यादा करो, और फिर टाइम होगा तो नवकल में करो शुद्धात्मा की प्रार्थना करो, और टाइम होगा तो सिमंदर स्वामी की प्रार्थना करो, और ज़्यादा टाइम होएगा तो आरती सब करो, और भी टाइम होएगा तो प्रतिक्रमण सामायिक, धीरे धीरे सब बढ़ाते जाओ, टाइम मिलेगा। क्योंकि वो टाइम हमारा कौन खा जाता था? क्रोध मान माया लोभ कर्तापन अहंकार, वो सब टेंशन होके ही टाइम बिगड़ जाता था। अभी थोड़ा टाइम जितना क्रोध मान माया लोभ कम होते जाएगा टाइम बचेगा, और वो टाइम में हम आत्मा की आराधना बढ़ाएंगे। समझ में आया आपको? जय सर। दर्शना नंदा सिंह पटना। पूज्य दादा भगवान ने द्वारा यह बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति बिना श्री सिमंदर स्वामी के साक्षात दर्शन के बिना नहीं होती है। पूज्य श्री सिमंदर स्वामी जबकि करोड़ों किलोमीटर दूसरे लोक में निवास करते हैं, यह जानकारी पूज्य दादा भगवान ने बताया है जो मुझे प्राप्त दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता है, अतः ऊपर की बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इसमें है न, देखो ज़्यादा बोधरेशन मत रखो, अभी तो दादा भगवान की बात तो समझ में आती है ना जी, सिमंदर स्वामी है या नहीं है कहाँ है वो पेंडिंग रखो जी, क्योंकि वो दादाजी 108 माल के ऊपर खड़े रह के देखते हैं, उधर चिमनी दिखती है, मिल है, उधर तालाब दिखता है, हम ग्राउंड फ्लोर पे है अभी, तो हमें कोई बात हमें समझ में भी नहीं आएगी, कोई बात हमें दिखे भी नहीं जी। पर हमें हमारा जीवन में काम लगे इसी बात तो यह है ना, 5 आज्ञा टकराव टालिए हुआ सो न्याय है, भुगतता है उसकी गलती, एडजस्ट एवरीवेयर, प्रतिक्रमण, वो तो सब समझ में आता है ना? यस जी, हाँ सर जी, उतना पकड़ के चलो। और ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कि क्या है कि हमारी पृथ्वी है उसको भरत क्षेत्र बोला जाता है, और ऐसी दूसरी पृथ्वी है उसको महाविदिक क्षेत्र बोला जाता है, और वहाँ सिमंदर स्वामी जीवंत है ऐसे तीर्थंकर भगवान है वो, जैसे महावीर भगवान हो गए थे जी, ऐसे तीर्थंकर भगवान है। मगर अभी मत बुद्धरेशन रखो उसका, थोड़ा सत्संग में आप सेट हो जाओ, धीरे धीरे दादाजी की बात समझ में आती जाएगी। हमारे जीवन व्यवहार में पहले उपयोग में लो, किसी को दुख न हो जाए, किसी को दोष न देखे, किसी से हमें दुख न टच हो जाए,
आत्मा की जागृति रहे, संभाव से कर्मों का, कर्म फल का संभाव से निकाल करें, ऐसी जागृति में आप आते जाओ, बाद में आगे की बात देख लेंगे। समझ में आया आपको? जी, इसीलिए तो मैं पटना बिहार से आया। बहुत अच्छा। नहीं, ये 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 आत्मा के लिए जो आप आए, उसी से ही आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है राधा भगवान का। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम वर्मा, अजमेर, राजस्थान। क्या शुक्ल ध्यान में रहने पर भी कर्म चार्ज होते हैं? एक्चुअली हमारा अक्रम विज्ञान ऐसा है कि व्यवहार में धर्म ध्यान, निश्चय में शुक्ल ध्यान। व्यवहार में धर्म ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ शुक्ल ध्यान ही निरंतर रहता था, तो 0% चार्जिंग। और अभी तो हमारा व्यवहार में धर्म ध्यान है, किसी को दुख हो गया तो हम प्रतिक्रमण कराते हैं नीलम से। तो दादाजी की जो 5 आज्ञा है, वो व्यवहार में धर्म ध्यान और निश्चय में शुक्ल ध्यान, ऐसा ऐसी बात है। तो हमें थोड़ा जूझ कर्म चार्ज ऐसा होगा, वे टू मोक्ष मार्ग। जैसे हमें कलकत्ता जाना है तो वाया नागपुर जाएंगे ना हम, ऐसे ऑन वे टू मोक्ष मार्ग हमारा थोड़ा कर्म चार्ज हो जाता है 5 आज्ञा का पालन करने की वजह से। समझ में आया? ये तो अखंड शुक्ल ध्यान होगा, वो केवल ज्ञान के बाद निरंतर शुक्ल ध्यान, बाद में नए कर्म चार्ज नहीं होते, और पुराने कर्म डिस्चार्ज होने के बाद निर्वाण होता है और मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है आत्मा। हमें मोक्ष गति डायरेक्ट नहीं प्राप्त होगी, कम से कम यहाँ अभी हमारे शुक्ल ध्यान के चार विभाजन है। तो पहला विभाजन हमें मिला अस्पष्ट वेदन। अब जितनी प्रकृति में जो क्रोध, मान, माया लोग खत्म होते जाएंगे, और लास्ट में स्पष्ट वेदन आएगा। और ये इस लाइफ में स्पष्ट वेदन तक पहुंचना पुरुषार्थ कर सकते हैं, और यहाँ से आगे का पुरुषार्थ बाकी रह जाता है। महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास, उनके दर्शन से केवल ज्ञान होएगा, वो तीसरा शुक्ल ध्यान का लेवल। और बाद में जो कर्मफल भुगतने पूरे हो गए तो निर्वाण, वो चौथा शुक्ल ध्यान का लेवल है, वहाँ से मोक्ष गति में जा सकता है। समझ में आया आपको? शिव प्रताप, कानपुर। जीवन में पैसे का महत्व कितना है? पैसे का महत्व जितनी ये हवा का महत्व है ना जी, उतना पैसे का भी महत्व है। पर हवा के लिए कितना सोचते हो 24 घंटे में? बिल्कुल नहीं। तो फिर पैसे के लिए भी बिल्कुल सोचो नहीं, पर तो भी आपको मिलते रहेगा। पर लोग तो है ना अपनी आवश्यकता से अधिक, किसी ने सही है कहा है कि जैसे पैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती, इच्छाओं की नहीं। तो जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती तो हम पैसे के लिए क्यों भागते रहते हैं पीछे? ये लोभ नाम का दुश्मन है ना, वो दौड़ाता है। तो इससे कैसे बचें? उससे बचने के लिए समझना जरूरी है कि लक्ष्मी मेहनत से आती है या अकल से आती है। अकल से जी। तो अकलमंद तो देखो कितने कितने सीए लोग रहते हैं, पर सेठ लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है और सीए को कम मिलता है। और मजूरी करने वाले, मेहनत करने वाले तो मुजर लोग बहुत है, उससे भी सेठ लोग को ज़्यादा पैसा मिलता है, मजूर को कम मिलता है जी। तो लक्ष्मी मेहनत से नहीं आती है, अकल से नहीं आती है, वो तो पुण्य से आती है जी। और पूर्व भव में जितनी पुण्य की है जी, वो पुण्य का बैलेंस इस लाइफ में हम लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, शांति, अनुकूलता सब हमें मिलता है जी। तो पिछले जन्म के पुण्य का फल इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म में नई पुण्य बांधोगे जी, धर्म करने से, अध्यात्म में आराधन करने से, आत्मा की आराधन करने से पुण्य जो बंधा जाता है जी, उसका बाय प्रोडक्शन में लक्ष्मी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बाय प्रोडक्शन शब्द सुना है आपने? बाय प्रोडक्शन यानी हम कपड़े सेने की फैक्ट्री डालें तो ये जो टुकड़े हैं कपड़े के, चिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जी। तो चिंदी का लिए कारखाना, नए नए कपड़े लाने का ताका जी, और चिंदी बना के कारखाना करना चाहिए कि कपड़ा सीने के बाद उसके फल में चिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमें? ये नया नया कपड़ा सीना वो कारखाना डालना चाहिए कि कपड़े ताके लाके फर्स्ट क्लास सीधा चिंदी बनाते जाने का, नए कपड़े सिलने के? हाँ, कपड़े सीना चाहिए। ये लोग क्या करता है, नए नए ताके लेके आते हैं बाजार से और चिंदी बना के बेचते हैं, देखो चिंदी का कारखाना हमने। अलो, वो बाई प्रोडक्शन में मिलेगा, चिंदी क्यों बनाते हो जी। तो ये मेन प्रोडक्शन मालूम ही नहीं आदमी को।
आप डॉक्टर हो तो सेवा का मेन प्रोडक्शन रखो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सेवा, परोपकार, कोई भी बिजनेस है तो भी आप उसमें से 5% 10% चलो गरीब के लिए डालो, दान करो, परोपकार में डालो, सेवा करो, तो ये सेवा मेन प्रोडक्शन रखो। पर लोग ऐसा कर कहाँ पाते हैं? हैं? कहाँ कर पाते हैं ऐसा लोग? अगर ऐसा लोग करने की लगे बात, तो लोग की बात छोड़ो, आप अपनी बात करो। हाँ, हम तो करेंगे बस जी, क्योंकि एक आदमी सुधरेगा, एक आदमी सुधरेगा तो उसको देख के दूसरा सुधरेगा, तो दो आदमी सुधरेंगे तो उसको देख के चार सुधरेंगे, बस वही रास्ता सच्चा है। बाकी लोगों की बात तो सब लोग करते हैं और खुद गलतियों में से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे उन्नति होगी सबकी। पर देखने में आता है कई लोग जैसे इसको धंधा ही बना लेते हैं, जैसे कुछ लोग नशेबाज हो उस टाइप के लोग। देखो दुनिया में दोनों रहेंगे जी, एक पीने वाले रहेंगे, दूसरे नहीं पीने वाले भी रहेंगे, हमें कौन से लाइन पे चलना है डिसाइड करना जी। एक चीज और पूछनी थी सर, क्या जैसे क्या आप मेरा क्वेश्चन और लिखा हो? हाँ, मैं जैसे हमारे मन तुरंत कार्य करता है ऐसे बुद्धि भी क्यों नहीं करती, क्या पूछना चाहते हो? मन तुरंत कार्य करता जैसे है, जैसे यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो आप जैसा कहते हो तुरंत हाँ हाँ कर देते हैं, वैसे ही अगर सब हो जाए तो बहुत जल्दी संसार का कल्याण हो जाएगा। बरोबर तो, है। हम तो रोज ले आए ऐसे लोगों को जो एक्सेप्ट करने लगे तुरंत। नहीं, धीरे धीरे सब, देखो ये क्या है, सच्ची समझ की बात हम करते हैं यहाँ पे जी, और उसका दिल कबूल करेगा तो उसको समझ एक्सेप्ट हो गई, बाद में उसको भी शांति मिलेगी और धीरे धीरे सब बात एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो जिसको पहली बार आता है उसको समझ में नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता इसका मतलब वो टेढ़ा है, इससे नहीं उसको समझ, सच्ची तरह से समझ नहीं मिली है जी। तो हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि सच्ची बात समझ में आए सबको, उसका मेहनत करो उसके लिए जी, और धीरे धीरे सच्ची बात जगत में फैलाओ। दादाजी की किताबें हैं, निरुमा के टीवी प्रोग्राम्स आते हैं और हमारा भी अनुभव है, दूसरे को बोलेंगे देखो बहुत शांति हुई है, तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली सबको बता सकते हैं, धीरे धीरे उनको भी सच्ची बात समझ में आएगी, धीरे धीरे बात फैलेगी और दुनिया में शांति होगी। वही, और वो धीरे धीरे हो ही रहा है। मैं जल्दबाजी बहुत जल्दी करता हूँ, वो धीरे धीरे नॉर्मलिटी। अभी क्या है कि सच्ची समझ अभी पहले मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होएगा ऐसा था, अभी तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और व्यवस्थित करता है जी। और शिव प्रताप जो करेगा वो व्यवस्थित के सब संजोग मिलेंगे तो करेगा ना जी। तो धीरे धीरे सहजता आते जाएगी, पहले इमोशनल पन था इसके लिए जल्दबाजी हो जाती थी, अभी सहजता आएगी यानी नॉर्मलिटी आएगी जी। धीरे धीरे शक्ति मांगो, दादा मुझे संभाव से निकाल करना है प्रकृति का, और आप शिव प्रताप की प्रकृति देखो कि कैसा जल्दबाजी करता है, क्यों करता है, क्या फायदा, क्या हितकारी है। तो बस यही चाहता हूँ आपका आशीर्वाद हो जाए मेरे ऊपर एक बार, आएगा आशीर्वाद तो कल्याण।